अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सायरा। आप देख रहे हैं सायरा कुकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं लजीज़ा मिक्स खीर। लजीज़ा मिक्स खीर बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, ये मैंने दूध लिया है 1 kg और ये मैंने लिया है लजीज़ा खीर। ये देखें, ये बाज़ार से मैं लेके आई हूँ और वो मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें दूध डालते हैं और दूध को बॉयल आने देते हैं। अच्छी तरह हम अपने दूध को बॉयल कर लेते हैं। दूध मेरा अच्छी तरह बॉयल हो गया। अब मैं अपनी ये जो लजीज़ा खीर ली है इसको इसमें डाल देती हूँ। इसमें सब कुछ शामिल होता है, शुगर, ये चावलों की बनती है और ड्राई फ्रूट, ये भी मुझे बनानी आती है। मैं किसी दिन आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और हम इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे। आस्ता आस्ता चम्मच हिलाते जाएंगे, चम्मच हमने रोकना नहीं। चम्मच हमने इसलिए नहीं रोकना क्योंकि हमारा ये दूध है बाहर भी आ सकता है बर्तन से। यहाँ पे हमारी खीर गाढ़ी हो रही है, हम इसको और थोड़ा गाढ़ा करेंगे। हम इसको लो फ्लेम पे इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये चावल ग्राइंड की होते हैं इस खीर में, तो वो थोड़ा गलने में टाइम लगता है। इसलिए जब भी बनाएं लो फ्लेम पर बनाएँ ताकि ये जो चावल होते हैं ना ग्राइंड की हुई अच्छी तरह गल जाएँ। यहाँ पे हमारी खीर अच्छी तरह गाढ़ी होगी। ये देखें, खीर के ऊपर बुलबुले आने शुरू हुए। इसका मतलब यह है कि हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। हम अपनी खीर को एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। लजीज़ा खीर मिक्स मेरी रेडी है, मैंने इसको गार्निश भी कर लिया है। अगर मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।